आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी मैंगो केक। तो आप देख सकते हैं, हमने एक सूजी का पैकेट लिया है, यहाँ हमने दो मैंगो लिए हैं, दो आम ले लिए हैं। इसे हम छील कर इसका पल्प निकालेंगे अब। तो फ्रेंड्स, हमने आम कट कर लिया है और इसमें से हम पल्प निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं, इसी तरीके से पल्प निकाल लें, इससे बहुत इजीली निकल जाएगा। यहाँ हमने एक जार ले लिया है, तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप सूजी, क्योंकि हम इसमें मैदा का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसे हम इसमें सूजी डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से पीस लेंगे। तो यहाँ हमने 2 कप सूजी का यूज़ किया है, हमने 1 कप डाल दिया है। इसमें हम 1 कप सूजी और ऐड करेंगे। इसे हम अच्छी तरीके से पीस लेंगे आप। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से पाउडर बना लेना है इसका। ये सूजी है जिसे हमने अच्छे तरीके से पीस लिया था, इसका पाउडर बहुत ही फाइन पेस्ट बन गया है। हमने एक कटोरी ले लिया है, जो हमने सूजी को पीसा था वो इसमें हम ऐड करेंगे कटोरी में। आप चाहे तो किसी बर्तन में निकाल लें। तो आप देख सकते कितना फाइन पेस्ट बना है इसका। तो फ्रेंड्स, हम इसी जार में मैंगो जो हमने पल्प निकाला था उसे इसी जार में हम पीसेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप चीनी। तो हमने इसमें 1 कप चीनी ऐड कर दिया है, अब इसे हम अच्छी तरीके से पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कितना फाइन पेस्ट बना है। तो फ्रेंड्स, ये जो सूजी है जिसे हमने पीसा था, इसे हम अच्छी तरीके से छान लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं छानने के बाद ये कितनी बारीक हो गई है, इसमें दरदरापन बिल्कुल भी नहीं रहा है, जो कि हमारी केक के लिए एकदम परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। आप ध्यान रखें कि जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी उसी का हाफ हम ऑयल यूज़ करेंगे। तो इसमें हमने ऑयल ऐड किया है, हमने यहाँ रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप भी रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ करें। फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मैंगो पल्प, जो कि हमने चीनी के साथ पीस लिया था। तो इसमें ऐड करेंगे मैंगो पल्प। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स करें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मिश्रण कितने अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 कटोरी दूध, क्योंकि सूजी फूलती है इसलिए हमने इसमें दूध का ऐड यूज़ किया है। तो इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। तो इसे हम आधे घंटे के लिए ढक कर रखेंगे रेस्ट करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं सूजी तो फूलती है इसीलिए हम इसे रेस्ट। तो फ्रेंड्स, इसे आधे घंटे हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं ये फूल चुकी है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे एक बार फिर से। बैटर हमें इसे थोड़ा सा पतला करना है, तो इसमें ऐड करेंगे दूध। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं बैटर रेडी हो चुकी है। हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद इसे आप हल्के हाथों से चलाएं, ज़्यादा ना चलाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने टूटी फ्रूटी लिया है, इस पर हम थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे। इसे अब हाथों की सहायता से मिक्स करेंगे। डालेंगे टूटी फ्रूटी, इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हमने यहाँ बर्तन में ऑयल लगा लिया है, इसमें हम बैटर को ऐड करेंगे।
हमने बैटर डाल दिया है इसमें, थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि जो बैटर है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। हम गार्निश करेंगे टूटी फ्रूटी से। पूरा बैटर ही नहीं आ रहा। फ्रेंड्स हमने यह स्टीमर ले लिया है इसे बेक करने के लिए। इस बैटर को इसमें रख देंगे, अब इसे ढक देंगे। इसे हम 30 मिनट तक ऐसे ही ढक कर स्टीम होने रखेंगे क्योंकि इसे हमें लो से मीडियम फ्लेम में पकाना है। तो फ्रेंड्स आधा घंटा हो चुका है, आप देख सकते हैं अब इसे हम बाहर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स इसे हमने बाहर निकाल लिया, इसे हम कुछ देर के लिए ठंडा होने देंगे क्योंकि ये बहुत गर्म है, तो गर्म ही ना निकालें, इसे ठंडा होने दें उसके बाद निकालें। तो इसे हमने कंटेनर से बाहर निकाल लिया है, तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बना है, केक बहुत ही स्पॉन्जी दिख भी रहा और है भी। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ हम आपको केक काट के भी दिखाएंगे, तो चलिए इसे कट करते हैं। हमने इसे कट कर दिया है, ये बहुत ही इजीली कट भी हो गया और आप देख सकते कितना स्पॉन्जी बना है।